हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज ट्रायंगल, और इसमें हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। और इसके हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को आज ख़त्म कर लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स में इनके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको इसमें क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो वृत्त तो हम लोग बना सकते हैं, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, इसके बराबर भी हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं और इससे बड़ा भी एक सर्कल बना सकते हैं, इससे भी बड़ा एक सर्कल बना सकते हैं। तो देखने में सभी एक जैसे इनका रूप दिखेगा। ठीक है, तो कह देंगे कि ये सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होते हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लिख लेंगे सभी वृत्त क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे समरूप होते हैं। ठीक है, पहला ख़त्म। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है कि सभी वर्ग होते हैं तो समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे। तो वर्ग तो हम लोग बना सकते हैं जिसमें चारों भुजा आपस में बराबर हो, तो हम लोग छोटा ही बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया दो वर्ग बनाया, लेकिन अब इसके साइज की बात करेंगे तो ये सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इनका साइज आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनका रूप देखने में एक जैसा है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अगर देखें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर लंबाई की हो। ठीक है, हमने इसको इसके बराबर कर लिया, लेकिन हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को इस प्रकार से भी बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ऐसा बना लिया और एक त्रिभुज ऐसा बना लिया, इसकी लंबाई के बराबर हो जाए, तो ये भी क्या बोला जाएगा, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन देखने में एक जैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, इनका शेप एक जैसा नहीं दिखेगा, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज इसमें नहीं आएगा क्योंकि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, समबाहु, क्योंकि अगर हम लोग छोटा भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इनकी तीनों साइड, और बड़ा भी एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे तो इनकी तीनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो देखने से इसमें क्या लगेगा, तो सभी लिख लेंगे समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला लिखा है कि उनके संगत कोण। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि समरूप होने के लिए उनके संगत कोण हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बराबर। ठीक है, हो, तथा दूसरा ऑप्शन है दूसरे में कि उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, तो समान अनुपात में होनी चाहिए। उनकी भुजाओं का, उनकी साइड्स का रेशियो निकालें तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे समानुपाती। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें भर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, इनका एग्जाम्पल बताना है। पहला है कि समरूप आकृतियाँ, तो समरूप आकृतियाँ के लिए देखिए हमने क्या बताया है अभी कि सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोग लिख लेंगे क्या, पहला हो जाएगा वृत्त, क्योंकि सभी वृत्त क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होते हैं। और यहीं पे इसका ऑप्शन नंबर दूसरा भी है, उसको भर लेंगे कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप आकृतियाँ का दो हमको उदाहरण देना था। ठीक है, तो हमने दो उदाहरण दे दिया। अब कह रहा था कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो समरूप क्या क्या नहीं हो सकती हैं, तो कभी भी वृत्त और त्रिभुज, इसको लिख देते हैं त्रिभुज ही लिख देते हैं, कभी भी वृत्त और त्रिभुज आप एक दूसरे के समरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग लिख लेंगे कि सभी वृत्त और त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं, और इसका दूसरा ऑप्शन भी लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज। ठीक है, तो कभी भी त्रिभुज और चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप नहीं होते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ठीक है,
तो समरूप होने के लिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ पढ़े थे कि भुजाओं की समान संख्या वाले, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, ठीक है, इसमें चार भुजाएं थी और इसमें भी चार भुजाएं थी, ठीक है, ये साइड्स की बात है तो लिख लेंगे साइड्स, ठीक है, इसमें भी साइड्स की बात थी तो इसमें भी चार साइड्स हैं। अब इनके भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर बराबर हैं तो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जबकि यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा, ठीक है, तो इनके कोण तो बराबर नहीं है, तो इससे हम लोग कह देंगे कि ये समरूप नहीं है, जबकि इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इनकी साइड्स का हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो ये देखेंगे ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, इसका मतलब इस साइड का ये डबल है, इस साइड का ये डबल है, इस साइड का ये वाला डबल है, ठीक है, इस साइड का ये डबल है। इस तरीके से देखेंगे कि इनकी साइड्स का रेशियो तो क्या है, बराबर है, जबकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि डी कोण एस कोण के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो दिया गया चतुर्भुज है क्या समानुपाती नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं जबकि, जबकि संगत कोण बराबर नहीं है, अतः आकृति जो है या फिर इसका नाम क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे समरूप नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 में तीन क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब अगले एक्सरसाइज में हम लोग 6.2 को पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।